जय हिंद गाइस। भारतीय गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के लिए सैलरी के अलावा भी कुछ ऐसे फैसिलिटीज ऑफर करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी दूसरी नौकरी में आपको नहीं मिलेगी। एंड डिफेंस के आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को मिलने वाले फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन आर्मी के कमीशन रैंक के ऑफिसर्स को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। आर्मी ऑफिसर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। फैमिली मेंबर्स के अंडर में ऑफिसर की वाइफ, उनके चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स को ये फैसिलिटीज मिलता है। चिल्ड्रन में एक ऑफिसर का बेटा 25 साल की उम्र तक और उनकी बेटी अनमैरिड होने तक ही फ्री मेडिकल फैसिलिटीज के लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आर्मी के ऑफिसर्स को फ्री रेशन भी मिलता है। भारतीय सेना अपने अधिकारियों को फ्री रेशन भी प्रोवाइड करता है। जो अधिकारी अपने फैमिली के साथ रहता है उनका रेशन उनके घर पर फ्री डिलीवरी किया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंडियन आर्मी द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आर्मी ऑफिसर्स को मेस फैसिलिटीज मिलते हैं। जो अधिकारी अनमैरिड है या फिर फैमिली के साथ में नहीं रहता है वो अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आर्मी मेस में बिल्कुल मुफ्त में कर सकता है। इसमें ऑफिसर से खाने का पैसा तो नहीं लिया जाता है लेकिन मेस को मेंटेन करने के लिए मेस मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर एक छोटा सा अमाउंट उनसे चार्ज किया जाता है जो खाने के पैसे से बहुत कम होता है। नेक्स्ट एक आर्मी ऑफिसर को CSD फैसिलिटीज भी मिलते हैं जिन्हें कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। आर्मी में कैंटीन, कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट की तरह कोई खाने का जगह नहीं होता है। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स MRP से सस्ते दामों पर किसी भी सामान को खरीद सकते हैं जैसे कि किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यहाँ तक के बर्तन भी खरीद सकते हैं। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट एक सुपरमार्केट की तरह होता है जो आर्मी पर्सनल्स के लिए ही बनाया जाता है। वहाँ पर मिलने वाले सामानों का प्राइस भी MRP से काफी कम होता है। नेक्स्ट एक आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों के लिए स्पेसिफिक आर्मी स्कूल का फैसिलिटीज भी दिया जाता है। आज पूरे भारत वर्ष में 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है, 249 आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल मौजूद है और 12 आर्मी इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। इंस्टीट्यूट में काफी तरह के अलग अलग कोर्सेज आर्मी के किड्स के लिए मौजूद हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल कॉलेज जैसे और भी कोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ के फीस भी आर्मी किड्स के लिए बहुत कम होता है और अगर कोई शहीद या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड सैनिक के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा उनकी पूरी स्कूल की फीस माफ कर दी जाती है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी के ऑफिसर जब कभी भी अपने पर्सनल काम के लिए बाहर जाते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल में ट्रेवल करते वक्त उन्हें रास्ते पर किसी भी जगह पर टोल देने की जरूरत नहीं है। अपने मिलिट्री कार्ड को दिखाकर वो इस देश के किसी भी टोल में बिना टोल को भरे ही टोल बूथ क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक आर्मी ऑफिसर को एकोमोडेशन या फिर क्वार्टर फैसिलिटीज भी दी जाती है जहां पर लेफ्टिनेंट और कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स के लिए 2 BHK का फ्लैट और उससे ऊपर रैंक के ऑफिसर्स के लिए बंगलो का फैसिलिटीज भी मौजूद है। नेक्स्ट, एक आर्मी ऑफिसर को रेलवे वारंट्स भी दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट आर्मी पर्सनल्स को कहीं भी आने जाने के लिए फ्री रेलवे वारंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये जितने भी फैसिलिटीज हमने बताए हैं वो इंडियन आर्मी के कमीशन रैंक्स के ऑफिसर्स को दिया जाता है। इंडियन आर्मी में इसके अलावा भी JCO रैंक्स और नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स भी होते हैं, उनके लिए भी इनमें से कुछ सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, कुछ सारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि JCO रैंक्स यानी कि सूबेदार मेजर जैसे ऑफिसर्स को क्या कुछ फैसिलिटीज दिया जाता है या फिर जो नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक से होते हैं जैसे कि नायक, लंस नायक, इनको क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी वीडियोस बनाने वाले हैं। अगर आप डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो इन डिफेंस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम डिफेंस रिलेटेड वीडियोस नियमित तौर पर इस चैनल में अपलोड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।